हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। दोस्तों आज के लिए जो हम लोग का टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट वन। तो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट टू है, सॉरी पार्ट वन जो है वो पहले से ही चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, और अन्य सभी वीडियो जो क्लास 12 सिलेबस के हैं वो सारे वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। और इधर से हम लोग पीछे से वेव्स, SHM और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इतने टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आप उनको देखना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे देता हूं, आप उस लिंक को क्लिक करके आप एक साथ सारी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक इफ द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज 50% एंड इट टेक्स हीट एट 0°C। सिंक का ताप होगा यदि उष्मा, सिंक का ताप होगा यदि उष्मा इंजन की दक्षता 50% है तथा यह 0°C पर गर्म हो रहा है। तो भैया जिस टेम्परेचर पे गर्म होता है वो सोर्स का टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो सोर्स का टेम्परेचर होता है और सिंक का टेम्परेचर पूछ रहा है। तो हमें जो फॉर्मूला यहां पर समझ में आ रहा है लगाने के लिए वो है ईटा इक्वल टू 1 - T2 अपॉन में T1। 50% दिया हुआ है, 50% 1 - T2 नहीं पता, और ये 0 डिग्री है। लेकिन ये जहां पर, जब इस जगह पर हम टेम्परेचर रखते हैं तो हम केल्विन में रखते हैं, तो जब केल्विन में रखेंगे तो यहां हो जाएगा 273। अब क्या करना है, इस चीज को इधर लेते हैं और इसको इधर लेकर जाइए, और उससे पहले 50 से इसको कट कर दीजिए, तो 1/2। अब ये हो गया T2 अपॉन 273 इक्वल टू 1 - 1/2। 1 - 1/2 1/2 ही देगा, क्योंकि 1 में से आधा गया तो आधा, तो ये हो गया आपका 1/2। T2 इक्वल टू हो गया भाई 273 अपॉन 2 136.5, जो अप्रॉक्स आपका 137 केल्विन माना जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझिए, 2 साल पूछा हुआ है, एक बार बायो में एक बार मैथ में। तो कोई डिपार्टमेंट ये ना सोचे कि ये सिर्फ मेरे लिए है या ये सिर्फ मैथ वालों के लिए है, ठीक है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन। 2 thermodynamic curves processes A and B are shown in adjoining figure. Processes A and B are respectively. चित्र में 2 उष्मागतिक वक्र प्रक्रियाएं A व B दिखाए गए हैं, जो क्रमशः हैं। तो देखो भैया, जब कभी भी एक ही पॉइंट से 2 वक्र खींचा जाए, जब किसी एक PV डायग्राम में एक ही पॉइंट से 2 वक्र खींचा जाए, तो जिसकी ढाल ज्यादा होती है, जिसकी ढाल ज्यादा होती है वो आपका रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, और जिसकी ढाल कम होती है वो आपका होता है समतापी प्रक्रम। इसको इस तरह समझिए, जब हम लोग कार्नट साइकिल बनाते हैं तो हमारा साइकिल कुछ इस तरह से होता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि ये और ये समतापी होते हैं, आइसोथर्मल होते हैं। एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी समतापी प्रसार और समतापी संपीड़न, जबकि ये और ये वाले को हम लोग कहते हैं कि ये रुद्धोष्म है, ठीक है, रुद्धोष्म एडियाबेटिक। तो अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो इसका ढाल ज्यादा है और इसका ढाल कम है, तो इन दोनों को हटा भी दो तो भी तो दिख रहा है कि ये आइसोथर्मल और ये आपका एडियाबेटिक। तो ए जो है, ए आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, और बी क्या है, बी है आपका रुद्धोष प्रक्रम, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को की ओर दे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, मतलब कि निम्न में से कौन सी राशि पथ पर निर्भर नहीं करती। अब राशि क्या क्या है, ऑप्शन है फर्स्ट आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अब अगर आप मेरे सामने बैठे रहते, ऑफलाइन क्लासेस होती, तो आप कहते सर ऑप्शन अब मत लिखिए, यही होगा, क्योंकि लास्ट क्लास में आपने ये पढ़ाया था, तो आप तो हैं नहीं यहां पर वो आपकी आवाजें जो हैं वो मुझे सुनाई दे रही हैं कि सर आप अब ऑप्शन मत लिखिए, क्या आप फालतू मेहनत करेंगे। तो ठीक है भाई, आपके कहने पर मैं इसका ऑप्शन नहीं लिखता और यही ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है इंटरनल एनर्जी में चेंज ड्यूरिंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी होती है, जो आपका इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 300 केल्विन एंड 600 केल्विन हैज वर्क आउटपुट 5000 पर साइकिल, द अमाउंट ऑफ सप्लाइड इनपुट एनर्जी टू द इंजन इज। 300 केल्विन व 600 केल्विन तापक्रमों के बीच कार्यकारी किसी कार्नो इंजन की कार्य क्षमता 5000 जूल प्रति चक्र है, इंजन को दी जाने वाली ऊर्जा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखो दो टेम्परेचर दिया है, यहां से हमको निकाल लेना है एफिशिएंसी। तो देखिए इसको कट करेंगे तो 1/2 आएगा और 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 ही बचेगा। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ईटा की वैल्यू मिल गई। अब जो अगला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, वो फॉर्मूला है ईटा इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q1, ईटा इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q1। ईटा की वैल्यू देखिए अब दे रखी है 1/2, डब्ल्यू दे रखा है 5000 और जो Q1 होता है यही तो हीट सप्लाई की जाती है, यही तो एनर्जी सप्लाई की जाती है, जो आपका ये वर्किंग सब्सटेंस होता है इंजन को, जो आपका आपके द्वारा जो इंजन अरे हीट या एनर्जी सप्लाई की जाती है वो Q1 ही तो की जाती है, और W वर्क डन होता है, और जो Q2 होता है वो सिंक को वो हीट ट्रांसफर कर देता है। पर आपसे यहां पर दी जाने वाली ऊर्जा पूछा है, मतलब Q1 पूछा है, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10,000 जूल। ओके, क्लियर है, देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विथ विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इज रिलेटेड। ताप की अवधारणा उष्मागतिकी के किस नियम, ताप की अवधारणा उष्मागतिकी के किस नियम से संबंध रखती है। तो छोटा सा क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो ताप की अवधारणा होती है ये है जीरोथ ला यानी शून्य नियम। इसके संबंध में मैं आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। पहले ये जीरोथ लॉ नहीं ढूंढा गया था, ये उष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ हो जाने के बाद जीरोथ लॉ को ढूंढा गया। फर्स्ट लॉ जो है, जब उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बता दी गई कि फर्स्ट नियम, जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, ठीक है, दूसरा नियम ये बताया गया कि जो कोई भी उष्मा गतिक निकाय जो निम्न ताप पर है उससे उष्मा अपने आप उच्च ताप वाली वस्तु को स्थानांतरित नहीं होगी, और तृतीय नियम जो है वो किसी भी संरचना की या किसी भी निकाय की संरचना के बारे में वो
अपना जो है कॉन्सेप्ट देती है। तो इन सब की तो बात हो गई, लेकिन टेम्परेचर की बात ही नहीं हुई थी। और बिना ताप के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ किसी का कोई मतलब नहीं था, तो लोगों को लगा कि भाई अब इसकी तो जरूरत है ही, और वो तीन लॉ ऑलरेडी बहुत ज्यादा पब्लिक हो चुके हैं, इसलिए जीरोथ लॉ बना। आप देख सकते हैं फिजिक्स में किसी भी टॉपिक में कभी भी कोई शून्य नियम नहीं होता, प्रथम नियम द्वितीय नियम ऐसे होते हैं, लेकिन यहां पर शून्य नियम आया क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर को लोग भूल चुके थे, तो उस चीज के लिए उसको रखने के लिए, और उधर का जो तीन दे दिया गया था उसको, उससे किसी तरीके का छेड़छाड़ ना हो, उसे उसमें किसी तरीके के असमंजस की स्थिति ना आए, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इसे शून्यांक नियम कहा गया। ओके चल, फिर कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल। पूरे चक्र में गैस द्वारा किया गया कार्य होगा। तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रख लो कि जो साइक्लिक प्रोसेस होता है, चक्रीय प्रक्रम होता है, उसमें गैस द्वारा जो वर्क डन होगा, जो कार्य होगा, वो उस चक्रीय प्रक्रम जो है, वो चक्रीय जो चक्र है उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल होता है। जो साइकिल है उसने कितना एरिया कवर किया है, उस एरिया के बराबर का ही वर्क डन होगा। मतलब कि अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो सीधा सीधा आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ बेस, देखिए बेस कितना है, वी नॉट से टू वी नॉट गए हैं, बेस कितना है, वी नॉट से टू वी नॉट गए हैं, इसका मतलब हो गया कि यहां पर बेस हो गया वी नॉट, और जो आपका टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ थ्री पी नॉट है, इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, यहाँ थ्री पी नॉट है, तो थ्री पी नॉट है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर में कितने का चेंजिंग हुआ, टू पी नॉट का, तो ये टू से ये टू कट गया, आपका आ गया पी नॉट वी नॉट, ठीक है, वी नॉट पी नॉट या पी नॉट वी नॉट आ जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, अच्छा ये इसी के लिए नहीं, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस आएगा उसमें उस साइकिल ने कितना एरिया कवर किया, जैसे इस साइकिल प्रोसेस में इतना एरिया कवर हुआ था, अब ये एरिया एक ट्रायंगल का है, ये एरिया एक ट्रायंगल का है, तो हमने ट्रायंगल का एरिया लगा दिया हाफ बेस इनटू हाइट, और वहां से ये चीज हमारा आसानी से निकल गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू, किसी आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार में डेल्टा वी अपॉन वी का मान होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, पी वी पावर गामा इक्वल टू नियतांक या कांस्टेंट, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, अवकलन करते हैं, तो अवकलन यहां पर देखिए यू और वी के पदों में होगा, तो यानी एक बार पी को छोड़ के इसका अवकलन, तो इसका जब होगा तो आएगा गामा वी पावर गामा माइनस वन, फॉर्मूला आपको पता है डीडीएक्स ऑफ x पावर n का क्या होता है n x n माइनस वन, तो यहां पर ये है गामा n की जगह पर तो n आ गया जाएगा, फिर मूल राशि जो है वो फिर n माइनस वन, तो गामा माइनस वन, अब फिर dv। इसी तरीके से जब इसका करेंगे तो इस बार इसको छोड़ के इसका करना है, तो इसको छोड़ दिए तो ये सिर्फ आपका dp हो गया, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो। अब हम दो इसको ऐसे लिख सकते हैं p गामा v के पावर गामा माइनस वन डी वी इक्वल टू माइनस v पावर गामा डी पी इक्वल टू जीरो। अब ध्यान देखिएगा v पावर गामा माइनस वन से दोनों पक्षों में भाग देने पर, भाग देने पर डिवाइड कर रहे हैं दोनों जो साइड है उसमें वी के पावर गामा माइनस वन से,
तो देखिए यहां क्या होगा, इस पार्ट में ये पूरा खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, तो हो जाएगा गामा पी डीवी। और यहां जब गामा वी पावर गामा को वी पावर गामा माइनस वन से डिवाइड करिएगा तो एक वी बचा रह जाएगा, माइनस वी डीपी। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए एक्स पावर क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ऊपर वाला, ऊपर वाले से नीचे वाला एक कम है तो केवल एक्स बचेगा। इसी तरीके से यहां गामा है, यहां जब डिवाइड करेंगे गामा माइनस वन से तो एक कम है इसलिए आपका वी बच जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था डेल्टा वी अपॉन वी, तो हमने क्या किया, इस वी को नीचे कर दिया, डी वी अपॉन वी इक्वल टू ये गामा जाएगा इस साइड, माइनस वन अपॉन गामा डी पी अपॉन पी। अब डी को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, डी को डेल्टा से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें ना, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन में वी इक्वल टू माइनस, और गामा को ऊपर भेज रहे हैं तो गामा माइनस वन डेल्टा पी अपॉन पी, जो कि आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ओके, चल अब देखते हैं 18वां क्वेश्चन। एन आइडियल गैस ऑफ 4 मोल एट 127 डिग्री सेल्सियस इज आइसोथर्मली एक्सपेंडेड टू द वॉल्यूम 4 टाइम्स, द वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज। एक आदर्श गैस के 4 मोल को 127 डिग्री सेल्सियस ताप पर समतापी रीति से प्रसार करके उसका आयतन 4 गुना कर दिया जाता है, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य होगा। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए वर्क डन होता है 2.303 एन आर टी लॉग वी टू अपॉन में वी वन। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, 2.303 एन मोलों की संख्या वो 4 दिया हुआ है, आर होता है 8.31, टी 127 में 273 ऐड करेंगे तो 400 आ जाएगा, लॉग वी टू मतलब 4V और यहाँ V, तो यहाँ से 4 आ जाएगा, उस 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2.303 इंटू 4 इंटू 8.31 इंटू 400, और जो 4 आएगा उसको 2 log 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो log वाला भी, तो हो जाएगा W इक्वल टू 2.303 इंटू 4 इंटू 8.31 इंटू 400 इंटू 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ये हालांकि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 18,230 जूल के आसपास आएगा। आप इसको एक बार, फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार आप इसको गुणा करके चेक कर लीजिएगा, ये प्रोसेस बिल्कुल सही है, जो भी यहाँ आएगा, जो भी यहाँ आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, ओके, क्लियर है? ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना, एंड आइसोथर्मली जब हम एक्सपेंड करते हैं तो वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसको आप समझ गए हो, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, द टू थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस ए एंड बी एज सून इन फिगर, इन विच हीट गिवन इज Q1 एंड Q2 रेस्पेक्टिवली। देन चित्र में दो ऊष्मागतिक प्रक्रम A व B दिखाए गए हैं, जिसमें दी गई ऊष्मा क्रमशः Q1 व Q2 है, तब ये Q1 व इस दौरान Q1 ऊष्मा दी गई, इस दौरान Q2, आपको ये बताना है कि Q1 ज्यादा होगा कि Q2 ज्यादा होगा कि दोनों बराबर होंगे या जो भी। ठीक है, अब आप सोचिए जरा, ध्यान से समझिएगा, मैं इस अभी इस प्रोसेस की बात कर रहा हूं,
इस दौरान, इसको हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, इस दौरान वर्क डन कितना होगा, पूरा इतना, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इतना हिस्सा होगा वर्क डन ऊपर वाले कर्व में। तो इसका वर्क डन है मान लो W, तो इस दौरान मान लीजिए Q1 हीट सप्लाई की गई थी, ठीक है। दूसरा जो प्रोसेस हुआ, जब इस तरह से जाने लगा था तो एरिया कितना कवर हो रहा था, सिर्फ इतना, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहे हैं। तो ये हिस्सा तो भाई इस हिस्से से कम है, इसका मतलब इस दौरान काम भी कम किया गया है। तो दूसरा वाला जो है वो मान लीजिए कि उस दौरान Q2 हीट है और वर्क डन हुआ है W, तो अगर W1 ग्रेटर देन है W2 के, ठीक है, तो हीट के वजह से ही तो वर्क डन हो रहा है, तो हीट भी जाता होगा, यानी Q1 ग्रेटर देन Q2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में जो आपको दिखेगा जहां पर ऐसा, उस पे आप टिक करेंगे, ओके, क्लियर है। वर्क डन जो है वो हीट के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि जितना आप हीट सप्लाई करोगे उतना ज्यादा वो फैलेगा गैस, ओके। अब बात करते हैं आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन। इन अ गिवन प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस DW इक्वल टू जीरो एंड DQ इज लेस देन जीरो, देन फॉर द गैस इज, आदर्श गैस के एक दिए गए प्रक्रम में DW जीरो है और DQ जो है वो लेस देन जीरो है, तो गैस के लिए ऑप्शन है टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो देखो W जो है DW यानी वर्क डन जीरो है, और वर्क डन होगा कब, वर्क डन का केस तब बनेगा जब उसके वॉल्यूम में कोई चेंज हुआ रहे, क्योंकि W इक्वल टू होता है PdV, ठीक है, W इक्वल टू क्या होता है PdV। तो अगर डेल्टा V में कोई चेंज नहीं हुआ है तभी W आपका क्या हो जाएगा, जीरो। अब अगर चेंज हुआ रहता, बढ़ गया रहता या घट गया रहता, तो W तो कभी जीरो होता ही नहीं। इसका मतलब यहां आयतन बढ़ेगा और आयतन घटेगा, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, क्योंकि बढ़ता तब भी कुछ वर्क होता है और घटता तब भी कुछ वर्क होता है, क्योंकि चेंज देखना है, ये नहीं देखना है कि ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, ओके। वो डिपेंड करता है कि वर्क डन सिस्टम पे हो रहा है कि सिस्टम द्वारा हो रहा है, वो बात की बात रहती है। लेकिन DW को जीरो दिखा दिया, इसका मतलब कि वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, तो घटना बढ़ने वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब जो DQ है वो लेस देन वन है, लेस देन जीरो, इसका मतलब निगेटिव है। तो पहले जो है उसको मान लो कुछ दिया गया रहा होगा, मान लो 5 जूल दिया गया हो, अब उसके निगेटिव होने का कंडीशन क्या हो रहा है, जब उससे 10 जूल आप निकाल लो, कम से कम 5 से अधिक ही निकालो, तो जब 5 से अधिक निकाल लोगे तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा ना। मान लो कि हमारे शरीर का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, अब चेंज इन टेम्परेचर जो है वो माइनस में हो गया, जीरो से कम मतलब माइनस में हो गया। तो माइनस में होने का मतलब यह है कि हमारे शरीर में जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो 37 से कुछ ज्यादा ही निकाल लिए, मान लो 40 निकाल लिए, तो अब हमारा टेम्परेचर कम हो गया ना, हम 37 से -3 पर चले गए, अगर 40 निकाल लिया तो ताप घटेगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो कोई इसका वो लॉजिक नहीं बन रहा है। अब आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन, इन एन एडियाबेटिक सिस्टम विच इज ट्रू, उष्मा गतिक निकाय के लिए सत्य है, ऑप्शन है आपके P power gamma, T power gamma -1 = constant, दूसरा ऑप्शन है P power gamma, T power 1 - gamma = constant, P T power gamma = constant, और चौथा है P power 1 - gamma और T power gamma = constant। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आज मैं बताया हूं, तो उसको अगर आपको ध्यान होगा तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आराम से कर लेंगे। तो ये आपके होमवर्क के साथ थर्मोडायनेमिक्स का जो ये चैप्टर था, इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो समाप्त हो गया।
अब जो अगली टॉपिक होगी वो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होगी, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो जो इसमें बच गया है, जो आपको लगता है, आप देखकर कंफ्यूज होते हो कि यार ये थर्मल प्रॉपर्टी का है कि थर्मोडायनेमिक्स का है, तो उसमें वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग आए, तो उससे क्या होगा, कंपटीशन की भावना थोड़ी बढ़ेगी और हम भी एकदम मोटिवेट होंगे कि यार इतने व्यूज आ रहे हैं, इतने लोग हमें देख रहे हैं, तो एक अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिए, देखकर उसको ऐसे ही मत चला जाया करिए। तो उम्मीद इतना कर सकते हैं आपसे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।